अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आज का हमारा टॉपिक है एज कैलकुलेटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज कैलकुलेटर कैसे बनता है और उसकी फंक्शनैलिटी कैसे ऐड होती है। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे style.css की फ़ाइल जो है ऐड करवा दी है, custom.js की फ़ाइल ऐड करवा दी है। इन फाइलों को सिर्फ अभी ऐड करवाया है, अभी इनके ऊपर स्टाइलिंग या फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना जो है कैलकुलेटर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं HTML के अंदर। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं एज कैलकुलेटर H1, तो उसके बाद एक डिव लेते हैं, पैरेंट डिव ले लेते हैं होम कंटेनर। इसके साथ ही हम लेबल फोर एट्रीब्यूट के अंदर बर्थडेट के साथ हम एंट्री करते हैं एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। इसके साथ ही एक इनपुट का टैग लेते हैं जिसकी मैं टाइप रखता हूँ डेट। ठीक है, इसकी जो आईडी है वो हम लेते हैं सेम बर्थ डेट। क्लोज करते हैं, एक बटन का टैग लेते हैं, इसके ऊपर मैं ऑन क्लिक का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कैलकुलेट एज। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कैलकुलेट एज। ठीक है, इसके साथ ही एक पी का टैग लेता हूँ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईपी से, जिनकी आईडी मैंने रखी है रिजल्ट। ये वो पी का टैग है जिसके अंदर हम अपना जो आउटपुट है जो वैल्यू है वो शो करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही पैरेंट डिव जो है वो कॉल हो जाएगी और देन ये हमारा HTML का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम स्टाइलिंग करेंगे style.css के अंदर जाके, देन उसके बाद custom.js में काम करेंगे, फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो चलते हैं अपनी style.css की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे बॉडी फॉन्ट फैमिली एरियल सेरिफ में लेता हूँ उसकी फॉन्ट फैमिली। इसके अलावा जो टेक्स्ट लाइन है वो मैं सेंटर ले लेता हूँ। इसके साथ ही इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लेते हैं F2। ठीक है, इसके साथ ही हम H1 का टैग हम कलर देते हैं ब्लैक। साथ ही हम होम कंटेनर मार्जिन टॉप से देते हैं इसको 50 पिक्सल। ठीक है, इसके साथ ही लेबल ले लेते हैं, हम लेबल को हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, एक लाइन में वो सही नहीं लगेगा। इसके साथ इसको हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं 40 पिक्सल एग्जैक्ट इनफ। और इनपुट इसको हमने टाइप जो है वो डेट दी है, जो पैडिंग है तो बॉटम लेफ्ट एंड राइट से हम उसको करते हैं 5 पिक्सल और मार्जिन बॉटम से इसको करते हैं 20 पिक्सल के साथ ही। और बटन, हम बटन की जो फंक्शनैलिटी है इसकी जो पैडिंग है हम करते हैं 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम और 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। इसके अलावा जो इसका कलर है बैकग्राउंड कलर यानी कि वो कर देते हैं ब्लैक। अलावा इसका फॉन्ट कलर जो है वो करते हैं वाइट और बॉर्डर इसका बॉर्डर डन कर देते हैं, इसका बॉर्डर डन। एंड देन इसके अलावा इसे कर्सर जो कि ज़रूरी है लगता है कर्सर यानी कि नोटिफाई करता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, फिर हैशटैग रिजल्ट ये वो चीज़ है जहाँ पे मेरी आउटपुट आएगी, मैं इसको टॉप देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है,
तो हम चेक करते हैं हमारी टाइलिंग जो है कैसी है। हाँ एग्जैक्ट नंबर। अब इसके ऊपर भी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं हुई है, वो हम करेंगे कस्टम डॉट जे एस के अंदर। ठीक है चलते हैं अपनी फाइल कस्टम डॉट जे एस की तरफ, जहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन, और फंक्शन कौन सा जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है फंक्शन एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर जो है यूज़र की दी हुई वैल्यू यहाँ पे हम गेट करेंगे। ठीक है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आईडी कौन सी आएगी इनपुट जहाँ पे यूजर वैल्यू देगा। ठीक है इसके साथ ही हम एक और वेरिएबल लेते हैं जो हमें करंट डेट यानी कि जो आज चल रही है उसकी वैल्यू देगा। ठीक है करंट डेट न्यू डेट, इसके साथ ही हम जो साल है वो कलेक्ट करते हैं। इसके लिए मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, बल्कि उससे पहले एक और बनाते हैं बर्थ डेट ओ बी जे के नाम से बना रहा हूँ मैं। इसके ऊपर ये वही वेरिएबल है जिसके ऊपर मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। ठीक है न्यू डेट यूज़र की दी हुई वैल्यू जो कि अगेन कहाँ पे स्टोर हो रही है मेरे पास बर्थ डेट ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर। नाउ अब मैं यहाँ पे कलेक्ट करूँगा एज, वेरिएबल कॉपी कर लेते हैं, डेट गेट फुल ईयर, साथ ही मैं माइनस करता हूँ गेट फुल ईयर। इसके साथ एक वेरिएबल जिसमें मैं अपने जो मंथ है वो कलेक्ट करूँगा, तो अगेन करंट डेट मैंने मंथ गेट करने हैं मंथ, और सेम एज इट इज यूजर का दिया हुआ मंथ उसमें से माइनस करेंगे एट मंथ। अब मेरे पास एज भी आ गई है और मंथ भी आ गए। अब हम इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर मंथ जो है वो छोटा है किसे जीरो से, या फिर ये मंथ डिफरेंस जो है ये बराबर है जीरो के, और इसके साथ ही साथ डेट डॉट गेट डेट हम डेट कलेक्ट कर रहे हैं छोटी है किसे यूजर की दी हुई वैल्यू से, गेट डेट यहाँ पे जो वेरिएबल है इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है सेम एज इट इज, और हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब यहाँ पे हम आईडी कौन सी पास करेंगे यहाँ पे हमने अपना आउटपुट शो करवाना है। ठीक है रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आएगी योर एज, हम लिखते हैं योर एज इज स्ट्रिंग वैल्यू सेम वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि हमारे जो फंक्शन है वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। मैं अपनी वैल्यू देता हूँ 09091998, योर एज इज 24। ठीक है देन ये सिंपल सा एक एज कैलकुलेटर था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।